परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा था, 10.5 चल रही थी बच्चों, सम अंडर रेस्ट्रिक्शन, उसमें कुछ कंडीशन दे रखी थी, वही कंडीशन हम लोग मतलब क्वेश्चन चल रहे थे और क्वेश्चंस काफ़ी कराए थे और दिए थे पर्सनली करने के लिए घर पे, कर लिए किए। चलो बोलो जो क्वेश्चंस स्टार्ट को तो बोलना, पहले क्या बोल रहे हो प्रश्नावली की एग्जांपल्स, एग्जांपल कितने बचे हैं, दो कि तीन, चार बोलो। चार महिलाएं एवं पांच पुरुषों को एक पंक्ति में बैठाने, महिलाएं चार हैं, कितनी है चार, पुरुष कितने हैं पांच, हाँ उनको एक पंक्ति में बैठाना है, ये तो कहा गया है। बैठाने के कुल कितने प्रकार होंगे, कुल कितने प्रकार होंगे, राइट। यदि कोई दो महिला एक साथ ना बैठे, क्या ये मैंने कल क्वेश्चन नहीं कराया था, कराया था कल, लड़के और लड़कियां थी, आज पुरुष और महिलाएं हैं तो अंतर क्या है दोनों में, लेकिन इस पे ध्यान दो, इसमें पूछा कितने प्रकार से हम बैठाल सकते हैं, कल एक क्वेश्चन आया था उसमें पूछा था कतारों की संख्या कितनी है, याद करो, और हमने निकाल क्या दिया था गलती से, हमने कितने तरीके से बैठाल सकते हैं, कतार फिक्स होती है भाई, ये अगर 10 बच्चे तो 10 ही कतार बनेगी, 11 की नहीं हो सकती है, लेकिन बैठालने की व्यवस्था में 11 भी हो सकते हैं, जैसे हम दिखाएंगे तुमके यहाँ पे, क्या दो महिलाएं एक साथ नहीं बैठ सकती हैं, पुरुष, पुरुष को हमने मान लिया P1, P2, P3, P4, P5, समझ में आ गया, महिलाओं के बैठने की जगह अब ध्यान देना, एक दो तीन चार पाँच छः, लेकिन जब कतार बना रहे थे तो भैया ये इतनी पॉसिबिलिटी थी जितनी वो फिक्स है, उसके पीछे नहीं हो रही थी बच्चों, हाँ महिलाएं चार है, कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था उसमें जो लड़कियां ज्यादा थी बच्चों, अब यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः, कितनी जगह है बच्चों, छः जगह है बैठाने के लिए महिलाओं को, चार, तो पहले महिलाओं को बैठा देते, चलो देखो पहली महिला को कितनी जगह बैठा देते हैं, राइट है, दूसरी महिला को, तीसरी महिला को, चौथी महिला को, बस रुक जाओ, हो गया, बोलो चो, महिलाएं पूरी हो गई, अब चलते हैं बात करते हैं पुरुष, पुरुष के तो भैया कोई वही नहीं है, पांच, चार, तीन, दो, सॉरी दो और ये एक, नहीं आए क्या, गुणा कर लो आंसर आ जाएगा, छह पंचे तीस, तीस चको 120, 120 तिया 5 चको 20 तिया 60 दुने 42,200 मेथड है जिनको बैठा सकते हैं, नहीं आया क्या, चेक द आंसर प्लीज, एग्जांपल नहीं करते मतलब, महिलाएं एक साथ बैठना चाहें, इसी में कहा गया है महिलाएं एक साथ बैठना चाहें उनको बैठा लो एक साथ, सभी महिलाएं, हम कहेंगे यहाँ सभी महिलाएं एक साथ बैठे तो क्या होगा, तो सभी महिलाएं एक साथ बैठे तो सभी महिलाएं कितनी है बच्चों बताओ, जब हमने पीछे भी क्वेश्चन कराए हैं बच्चों जैसे अक्षर वाले क्वेश्चन कि सभी अक्षर ये वाले अक्षर साथ में आए तो हम लोग क्या करते थे उनको एक मान लेते थे, तो इन चारों महिलाओं क्या मान लेंगे हम लोग, एक मान लेंगे, समझना बच्चों, इन चारों क्या मान लेंगे, तो ये सभी महिलाएं कहा गया है चारों, जैसे मान लो चार है महिलाएं तो उन चारों को एक मान लो, एक महिला मान लो जैसे, और पांच पुरुष हैं, पांच पुरुष हैं, बोलो पांच पुरुष हैं और एक महिला मानो, तो कितने लोग हो गए, छह लोग हो गए भाई, हम अभी दो महिलाएं लेके चल रहे थे अब, लेकिन एक चारों महिलाओं को एक मान लो, चारों महिलाओं को और पांच पुरुषों को पांच लाएंगे तो पांच तो कितने हो गए, छह, तो दो सभी महिलाएं सात में ध्यान देना, तो छह पांच चार तीन दो एक में, लेकिन लेकिन चार महिलाएं मैंने कहा था कि वो साथ में रहेंगी, लेकिन उनके भी तरीके होंगे, चार फैक्टोरियल बच्चों बताया था बच्चों, जैसे दो थे तो दो का इंटू करते थे, तीन थे तो तीन का इंटू करना बताया था मैंने, कल बताया था कि अगर कोई जैसे दो अक्षर साथ में तो उनके भी दो तरीके बन सकते हैं, तो इसी प्रकार से चार महिलाओं के भी चार तरीके यहाँ पर बन सकते हैं, अब गुणा कर लो आंसर आ जाएगा, इसमें जो है इसमें सभी महिलाएं एक साथ बैठ रही हैं, कोई दो महिला नहीं, सभी महिलाएं एक साथ बैठ रही हैं, चारों की चारों महिलाएं एक साथ, जैसे मान लो यहां बैठ रही भाई चंद तो ये चारों महिलाएं एक ही लाइन बैठेंगी, यहां बैठेंगे चारों महिलाएं एक ही जगह बैठेंगी, कुछ यहाँ पे तो उन चारों को एक मान लेना, मुझे हाँ
तो संभावनाओं की बात कर रहे हैं ना बच्चों, फिर तुम लोग गड़बड़ करो। हम संभावना या तो यहाँ बैठेंगे या तो यहाँ बैठेंगे, तो यहाँ बैठेंगे या तो यहाँ बैठेंगे या तो यहाँ बैठेंगे या तो यहाँ बैठेंगे कहीं। अच्छा लेकिन मेरे भैया इनके तरीके तो होने चाहिए। चार दिन मान लो महिला यहाँ बैठी हैं, सुन ना यहाँ पे सुना, M1 M2 M3 M4 बैठी हैं, मान लो कहा M4 M3 M2 M1 बैठी हैं, तो यहीं बहुत सारे तरीके हो जाएंगे इसमें आएंगे बच्चों पे। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, हाँ उसी प्रकार से ये जो 6 factorial मतलब समझ में आया, ये पूरा पूरा कर दिया हमने पहले और फिर महिलाओं को आपस में ये कर दिया। ठीक है चलो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन जल्दी बोलो पढ़ो। चार लाल तीन पीली दो हरी। पीली कितनी है, हरी कितनी है, हाँ को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग की रिश्तों में कोई अंतर नहीं है। यदि एक ही रंग के डिस्को में कोई अंतर नहीं, मतलब कि जैसे अक्षर थे अगर ए ए ए लिखा है तो कोई अंतर ही नहीं है, तो समझो यहाँ पे कुल डिस्क कितने हो गए। डिस्क का मतलब यार डिस्क जानते हो, डिस्क तीन लाइटें हैं, 4 3 7 2 डिस्क नहीं आते, बड़ी बड़ी रंगों में आती है। तो अब इनको जैसे मान लो 9 है तो रखना है तो क्या तरीके हो जाएंगे, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 × 1। लेकिन जो मैंने कहा था सेम होगा, उनमें डिवाइड करना पड़ता है। जैसे चार लाल है तो 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। ये बताया था मैंने कि जो चीज सेम होगी उसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जो चीज नहीं, जैसे चार बार चार लाल है तो 4 3 2 1, जैसे कल इंडिपेंडेंस करवाया था याद करो, तो उसमें डी डी जितनी बात था एन जितनी बात था डिवाइड किया था मैंने, पहले अच्छा गिन लिए थे पूरे फिर डिवाइड किया था। तो 4 3 2 1 तो ये गया पूरा पूरा, 3 2 9 और 9 × 4 = 7 नहीं आया क्या आंसर से कर लो, नहीं आया। कोई भी दो सेम रंगों में कोई अंतर नहीं है, तो इसमें कोई जब अंतर ही नहीं है तो लाल 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 कहेंगे तो कोई अंतर ही नहीं है, तो डिवाइड करो क्योंकि इसको मतलब हाँ उसको एक मान के करते। देखो एक मान के तब करते हैं जब कहेगा कि वो सब एक साथ रहें, एक साथ रहने में समझ लो जैसे चार अक्षर है, मान लो ए है बी है सी है डी है, वो चारों अलग अलग अक्षर हैं और कह रहे हैं चारों साथ में रहेंगे तो उन चारों क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। अब चारों ए ए ए है तो फिर उनका डिवाइड करो बच्चों, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा फिर वहाँ पे। ठीक है नेक्स्ट याद कीजिए कि डॉक्टर के अक्षरों से किरने ऐसे 8 अक्षरों के साथ किसे लगते हैं, डॉटर डी ए यू जी एच टी ई आर, डॉटर अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, हाँ जिसमें सभी स्वर सदैव एक साथ आते हैं। देखो अब समझो हर्षित, सभी स्वर एक साथ आते तो स्वर को एक मानना पड़ेगा, पहले गिन लो कितने स्वर हैं यहाँ पे, 1 2 3 तो इन तीनों को एक अक्षर मानो, एक अक्षर इन तीनों को एक मान लिया, अब गिनो जैसे इनको एक मान लिया तो 2 3 4 5 6 कितने अक्षर हो गए, हो गए तो क्या होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × बट मैंने कहा कि इन तीन अक्षरों को आगे पीछे कर सकते हैं तो इनकी भी तो तीन कंडीशन होंगी, तो 3 × 2 × 1 खाली से 5 अक्षर गिनो, इनको एक मानो यार बेकुबेल की हद पार, एक इसको मानो और ये 5 ही हो गए 6 नहीं हो गए। और इसमें 3 2 1 क्यों किया है, क्योंकि इनको हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई सेम नहीं है, सब अलग अलग है डिफरेंट है, तो इसीलिए ए यू ई मतलब इनको
एक माना तो है लेकिन इनके तीन तरीके होंगे, मतलब तीन दो एक, तीन फैक्टोरियल। कोई अक्षर दो बार तो नहीं है, कोई है अक्षर नहीं तो गुणा कर दो। अगर कोई अक्षर दो बार तो क्या करते हम लोग, भाग करना पड़ता हम लोग यहाँ पे। कोई अक्षर दो बार होता है प्लीज आ गया। सेकेंड कंडीशन सर कभी भी साथ नहीं आते। अब देखो उल्टा जस्ट है, जस्ट उल्टा लिखा है इसमें, सभी स्वर एक साथ ना आए, सभी स्वर एक साथ ना आए। तो ये क्या है, क्या है सभी स्वर एक साथ है। तो पहले कुल तरीके देखो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ कुल तरीके बोलो जो, आठ गुणे सात गुणे छह गुणे पांच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक कुल तरीके बोलो कितना होगा। ये कितना होता है, 720 होता है। गुणा करो इसका, 40। हाँ तो क्या करेंगे, सभी स्वर एक साथ ना, 40,320 माइनस बोलो चो 4320, ठीक है। दस चार गया छः और यहाँ पे देखो आंसर नहीं इसमें। ये मैं उस समय भी कर रहा था ना कहाँ पे, लेकिन उसमें कहा गया था सब महिलाएं एक साथ, ठीक है। और बोलो एक बोल, हाँ मंडे एक समय में लिए जाते हैं। एक समय में केवल कितने अक्षर ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे चार अक्षर ले सकते हैं। तो अगर हम चार अक्षर ले सकते हैं, ये चार ही अक्षर ले सकते हैं, हैं कितने शब्द, अक्षर लेने कितने हम लोग को, मतलब यहाँ पर हम लोग जब भरेंगे तो यहाँ पे भरने के लिए कितने जगह, कितने लोग हैं, छः राइट है। फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर बस ये चार ही चले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट एक समय में सभी अक्षर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सभी अक्षर लेना है तो छः पाँच चार सॉरी तीन दो फिर प्रथम अक्षर एक ना व्यंजक है, तो नहीं उसमें कहा गया सभी अक्षरों का उपयोग किया, लेकिन प्रथम अक्षर क्या है, स्वर एक आ गया प्रथम अक्षर। तो प्रथम अक्षर फिक्स करो यहां पर क्या है, ए है या फिर ओ, या तो यहाँ ए आएगा यहाँ तो या तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी, यहाँ कितने पॉसिबिलिटी, पांच, वेरी गुड। क्यों क्यों, क्योंकि इन दोनों में कोई एक यूज हो चुका भाई, एक यूज हुआ है, कितने एक दो तीन चार पांच छह है, कोई एक यूज तो बचे तो पांच ही, तो फिर यहाँ दिमाग लगा करोगे तो आ जाएगा दो पंचे 120, पांच को 20 तीन 60 120, ठीक है। चेक दान सभी चलो नेक्स्ट। सभी ट्रायंगल के अक्षरों के ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ट्रायंगल TRIANGLE, हाँ कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर हमेशा सम स्थान पर स्थित है। स्वर हमेशा सम स्थान पर आए, स्वर गिन लो पहले, बस स्वर कहाँ आए हमेशा सम स्थान, पहले स्थान गिनने देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ स्थान है बच्चों ध्यान देना। पहले
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है इतने हैं। तो पहले हम लोग स्वर की बात करें, यहाँ पे स्वर कहाँ कहाँ भर सकते हैं, एक सामने ना एक जगह, दो तीन एंड दिस इज चार, चार प्लेसे हैं स्वर भरने के लिए। और स्वर हैं कितने हम लोग को, तीन, कितने स्वर हैं, अगर चार स्वर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती हम लोग को, अगर यहाँ पे चार स्वर होते तो हम एक यहाँ भरते, एक यहाँ भरते, यहाँ भरते, यहाँ भरते, मतलब चार तीन दो एक हो जाता। लेकिन अब समझो आई है, ए है और क्या है, पहले हम ये भरेंगे सम वाले, इस जगह जैसे मान लो हमने कोई आई या ए या ई उठाया, ई को भरने के कितनी जगह हैं, कितनी जगह हैं, चार, ठीक है समझना, ए को भरने के लिए, ई को भरने के लिए, भर गए स्वर खत्म, स्वर खत्म हो गए। चलो बाकी जो अक्षर बचे हैं टी, अच्छा देखो बच्चों स्वर सम स्थान पे तो उनके स्थान फिक्स हो गए बच्चों, अब बाकी बचे कौन से बच्चों बताओ, यहाँ पर जैसे एक ये बचा है, एक ये बचा है, एक दो और बोलो तीन चार पांच, तो यहाँ पे बोलो पांच, नहीं यहाँ पर पांच, फिर चार, फिर तीन, नहीं आया क्या बच्चों, नहीं आया, चार तीन बहादुरी चौबीस पंचे एक सौ बीस कर ले, चार से आवाज नहीं, नहीं अड़तालीस, अच्छा अट्ठाईस सौ अस्सी तरीके दे लो चेक दान से प्लीज, नहीं आया क्या, बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल आ गया। चलो ए कल होमवर्क में यहीं तक रखते हैं बच्चों, कल ट्राई करते हैं इसे आगे बच्चों।